पुराने पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में लंबे समय से शासकीय कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली करते हुए पेंशन नियम लागू कर दिया गया है, जिसके पश्चात एक बार फिर यह मांग तेज होती दिखाई दे रही है। इसी के चलते बुधवार के दिन बड़ी संख्या में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने बागली तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन बागली तहसीलदार विवेक सोनकर को दिया गया। रैली के रूप में सभी कर्मचारी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की जाए और अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। राज्य कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम की श्रृंखला हमारे जो संयुक्त मोर्चे के द्वारा प्रदेश से आहूत की गई, उसका अक्षरश पालन करते हुए आज प्रथम चरण में ब्लॉक स्तरीय जो विकासखंड SDM महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर विकासखंड स्तर का ज्ञापन प्रेषित किया गया। क्या मांग की गई है? पुराने पेंशन हो वो 2005 से जो पहले लागू थी उसको यथावत राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह लागू करने की मांग की गई। क्या अन्य प्रदेशों में यह पेंशन लागू की गई और मध्य प्रदेश में नहीं की गई है, तो क्या है? मध्य प्रदेश शासन से हम लोगों की यही पूरी दृढ़ता के साथ मांग है कि जिस तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है, तो हुबहू उनको ही पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए, ये मांग हम लोगों ने रखी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।